अकेले तो मुझे लगता है इतनी इज्जत, ऐसे मैंने क्या किया था कि मुझे ऐसा क्या कर दिया मैंने। मतलब आज कोई इतना खूबसूरत लग रहा है कि उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा है। अगर मैं लड़का होती तो मैं प्रपोज कर देती। प्लीज कर दीजिए, है ना। आई लव यू। थैंक्स, आई लव यू टू। विल यू मैरी मी? ओके, डन। वेल, आई एम लविंग द ड्रेस, लविंग द कलर। थैंक यू सो मच, एडिंग सो मच टू दिस इवेंट, सो मच रॉयल्टी। ओह माय गॉड, हाउ मच हैप्पी डू यू फील विद दिस क्रिटिक्स 2022 अवार्ड? एब्सोल्युटली, यू नो, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक इट्स ग्रेट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क, एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट्स फॉर अवरोध, बिकॉज ये पहली बार मैंने एक नेगेटिव यू नो कैरेक्टर प्ले किया है ऑन स्क्रीन, एंड आई वॉज वंडरिंग हाउ विल इट बी रिसीव्ड, एंड आई थिंक इट्स बीन रिसीव्ड वेरी वेल। बिकॉज आज सुबह सुबह मैं चाय पी रही थी और मेरे पापा ने मुझे बोला, ही इज लाइक यू आर वेरी गुड इन अवरोध। मैंने कहा ओह थैंक्स, आपने अभी तक मेरी तारीफ नहीं की थी। और पेरेंट्स जो आपके सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं मुझे लगता है, या आप खुद, वो आपकी तारीफ करें तो अच्छा लगता है। हाँ, उनको पता भी था कि मुझे आज अवार्ड मिल रहा है। तो आज हम लोग बस चाय पी रहे थे सुबह सुबह, हाँ, तो उन्होंने मुझे सडनली बोला यू आर वेरी गुड इन अवरोध। मैंने कहा ओह थैंक्स, आई सेड यू नो आई एम गेटिंग एन अवार्ड ना टुनाइट। किसके लिए मिल रहा है? मैंने कहा अवरोध के लिए मिल रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब चैलेंजिंग योरसेल्फ एवरी डे एज एन एक्टर, मतलब कितना मुश्किल होता है वो खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के काम करना और उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलना। आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू प्ले सो मेनी लाइव्स। आप इतनी जिंदगियां जीते हैं एक जिंदगी में, और आपको इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ एम्पथाइज करने का मौका मिलता है, उनकी जिंदगियां जीने का मौका मिलता है, उनकी तरह रहने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है, ये बहुत बड़ा ऑनर है। और एज एन एक्टर आई थिंक कि हमारे पास एक आउटलेट होता है अपने इमोशंस और अपनी भड़ास निकालने का। बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली इंडिया लॉकडाउन में भी हम आपको देखने वाले हैं 2 दिसंबर को, बता देती हूँ मैं आप सबको। उसमें तो मतलब यू आर प्लेइंग अ पायलट, कुछ तो छोड़ दो यार, हमारे लिए भी सब करना है, जर्नलिस्ट भी बनना है, पायलट भी बनना है। अब मैं क्या करूँ अगर सबको पसंद आती हूँ मैं, लाइक वुमेन इन यूनिफॉर्म में, यू नो। सो आई थिंक मैंने सारी यूनिफॉर्म्स पहन रखी है। मैं आर्मी ऑफिसर प्ले कर चुकी हूँ, पुलिस वाली प्ले कर चुकी हूँ, बताइए। अब तो मैं मतलब कमर्शियल पायलट भी प्ले कर रही हूँ। आई थिंक अब मुझे एयरफोर्स की एक फिल्म करनी चाहिए। क्या बात है। मतलब एक चीज़ और रहा ना, मतलब इस तरह के जब आप पब्लिक सर्वेंट के तौर पर या पब्लिक डोमेन में जो इतने रिस्पॉन्सिबल हमें यूनिफॉर्म्स मिलती है, तो उससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर या एक जिम्मेदारी ऐड हो जाती होगी मुझे लगता है अपना कैरेक्टर प्ले करने में। नहीं, मेरी माँ खुद पुलिस में है, वो 40 साल से पुलिस में है, वो DSP हैं, उनको प्रेसिडेंट्स मेडल मिल चुका है। CBI में 12 साल थी, तो मैं और मेरी परवरिश एक कोतवाली में हुई है, मेरी जितनी भी मासियाँ हैं सब पुलिस में हैं, तो मैं बचपन से बंदों को पिटते हुए देखी हूँ। मेरा प्लेग्राउंड कोतवाली था। अच्छा। और तो मेरा एक अलग कनेक्ट है। मैं खुद UPSC एग्जाम्स लेकर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाली थी। ओ वाओ। लेकिन हम लोग बम्बई आ गए। एक्टिंग कैसे करने आ गए? क्योंकि हम बम्बई आ गए। मेरा डायरेक्शन बदल गया, यू टर्न हो गया, लेफ्ट को कट मार। मैंने कहा मम्मी इट्स ओके, आई विल प्ले यू ऑन स्क्रीन। क्या बात है। तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनफैक्ट मेरी मॉम को बहुत ख़राब लगता है जब पुलिस का डिपिक्शन ऑन स्क्रीन अच्छा नहीं होता है। तो मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ जब भी मैं कोई यूनिफॉर्म पहनती हूँ, मैं हमेशा उसकी थर रिसर्च करती हूँ और फिर ही वो यूनिफॉर्म पहनती हूँ, क्योंकि घर पर मुझे गालियाँ नहीं मिलनी हैं। मम्मी का क्या रिएक्शन होता है जब इस तरह के कैरेक्टर्स आहाना प्ले करती हैं ना? वो हमेशा मुझे बोलती है, वो बोलती है हमेशा कि तुम हट्टी कट्टी लंबी चौड़ी लड़की हो ना, इसलिए वो तुमको हमेशा हट्टी कट्टी, मतलब क्या खाती हैं जो इतनी हट्टी कट्टी मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं बहुत खाती हूँ, आपको पता ही नहीं है, मैं सब खाती हूँ। मैंने कभी खाने से परहेज नहीं किया है, मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं सब कुछ खाती हूँ क्योंकि मैं कसरत करती हूँ। तो अभी मैं पूछ भी रही थी किसी से तो कि यार ये इतने पतले हैं, मतलब हम लोग जेलस फील कर रहे हैं ऐसा, मतलब क्या क्या खाएं हम? आप चलिए मेरे साथ बैक रोड लोखंड वाला, मैं आपको 10 किलोमीटर भगाऊंगी। चलो चलो, डन। कल ही सोच रही थी, कल सुबह से दौड़ूंगी। कल सुबह पक्का? डन। चलो डन 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 डन। एंड एट द एंड व्हाट डू यू वांट टू कन्वे टू एडगली फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ब्यूटीफुल इवेंट लाइक स्क्रीनिक्स 2022? Congratulations to AdGully for ScreenX 2022, and thank you so much for this absolutely special award. It's for a very special part, and I think I will always cherish this moment. Thank you so much. Thank you so much, Ahana, for being so wonderful always. It's a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you, sweetheart.